अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? खैर के साथ हैं। आज के ब्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा सना सफीनाज माहे का 26A के दो सेम आउटफिट जो हमने कस्टमर के रेडी किए हैं। ये दोनों आर्टिकल्स आपके सामने डिस्प्ले में शेयर किए हैं ताकि आपको इसकी लुकिंग चेक करवा सकें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत से रेडी हुए हैं और इनमें कुछ चीज़ें इशूज़ भी आई हैं हमें जब हमने इनको स्टिच किया है, और कुछ चीज़ें जब स्टिच होने के बाद जब आप इशूज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो वही आपका इशू जो है वो बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो आपका क्रिएट कर देता है। अब इसमें अगर मॉडल ने जो है चेक करें कि इसमें उसने बेशेप शर्ट पहनी हुई हमने बट बनाई थी इसकी सिंपल नेकलाइन के ऊपर। हमें आपको पता है ब्रांड की तरफ से पट्टी बनी हुई आई थी तो हमने वही पट्टी को यूज़ किया और इसमें कोई डिज़ाइनिंग ऐड नहीं की। और हमने स्लीव्स के ऊपर जो बॉर्डर्स ऐड की हैं उसके साथ हमने एक लेसिस ऐड कर दी हैं। लेसिस हमारी सारी आपको पता है कि नीचे हम इसकी फेसिंग लगाते हैं ताकि हमारा जो काम है वो थोड़ा सा कह लें कि अच्छी लुक के अंदर आ जाए। दोनों स्लीव्स के ऊपर यही हमने काम किया है। अब ये जो पट्टी सेंटर से आ रही है इसकी लेंथ मिनिमम थी है 40। अब हमारी शर्ट की लेंथ क्या लेंगे थोड़ी सी लॉन्ग है तो अब हमने इसमें क्या किया कि हमने कुछ बॉर्डर्स ऐड किए हैं। ये तीन बॉर्डर्स जो हैं वो सेपरेट निकलते हैं आपको पता है शर्ट्स के अंदर से लेंथ वगैरह को शॉर्ट या लॉन्ग करने के लिए। तो हमने ये बॉर्डर्स को जब ऐड किया बीच में हमने जॉइंट लेस लगा दी सिटी लेस, जिससे आप ये चेक करें कि लुकिंग आपकी थोड़ी सी अच्छी बन गई है। एंड पार्ट के ऊपर हमने लेस लगा दी, इससे आपका है कि डिज़ाइन भी जो है आपका डिफरेंट लुक के अंदर आ गया। मॉडल ने तो राउंड में आपकी शर्ट पहनी हुई, हमने जो है इसको राउंड नहीं बनाया, हमने अपनी स्ट्रेट शर्ट बनाई है। और जब हमने इसके बॉर्डर्स ऐड किए हैं तो हमारी ये डिफरेंट लुक के अंदर आ गई है। तो हमारी ये इस बॉर्डर्स के साथ हमारी लेंथ जो है इसकी कवर हुई है। अगर इसी का मैं आपको ड्रेस का जो है सेकंड आर्टिकल जो हमने स्टिच किया ऊपर से सारा सेम है, इसमें लेंथ में इसमें भी आके जो है एंड से आके थोड़ा इशू आया था। अब इस इशू को हमने सॉर्ट आउट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है कि इसमें तो हमने जो बॉर्डर्स हैं वो ऐड किए थे लेकिन इसके अंदर बॉर्डर्स भी ऐड किए हैं, साथ हमें एक प्लेन पीस भी ऐड करना पड़ा क्योंकि इसकी लेंथ है 46। तो 6 इंच का बॉर्डर जो है वो हमारा ये कवर नहीं हो रहा था तो हमने एक इसी के अंदर से जो मैचिंग हमारा पीस था वो हमने ऐड किया लेसिस के साथ, ऊपर नीचे लेसिस लगा दी हैं और अंदर हमने जो है इसके अंदर पिंटेक्स प्लेट्स ऐड कर दी हैं जिससे हमारा डिज़ाइन भी बन गया। और अब आके हमारी लुकिंग भी जो है वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बन गई है, हमारा काम भी हो गया और हमारा डिज़ाइन भी बन गया। नीचे एंड पार्ट के ऊपर तीन हमने जो है बॉर्डर जो साइड से निकले थे वो यूज़ किए और एंड पार्ट के ऊपर एक छोटी सी लेसिस जो हमारी फेसिंग के साथ लगती हैं उसके साथ हमने यूज़ किए हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइनिंग बन गया। चाकों के ऊपर ऑलरेडी हमारी फेसिंग होती है और बाकी हमारी सब हमने चाकों पर लेस नहीं लगाई। बाकी जो डिज़ाइन आपके सामने है कि दोनों जो ड्रेसिस का जो डिज़ाइन बना है माशाल्लाह ये बॉर्डर्स के साथ इसकी लुकिंग की वजह से और अच्छा बन गया। इवन कि अगर हम बॉर्डर यूज़ ना करते फिर मैं भी आपका थोड़ा सा कैजुअल में आता, बट बॉर्डर यूज़ करने के बाद डिज़ाइन माशाल्लाह हमारा बहुत खूबसूरत हो गया। अब अगर हम इसके बात करें बॉटम की तो बॉटम जो है वो बिल्कुल प्लेन बनाया है, कोई हमने डिज़ाइनिंग नहीं की क्योंकि ऑलरेडी शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग बॉर्डर जो हमारे एक्स्ट्रा निकले थे वो हमने शर्ट के साथ यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ हम बॉर्डर्स को जो है वो दुपट्टे या शर्ट के साथ या ट्राउज़र के साथ लात में यूज़ करते हैं। एंड पार्ट में हमारा आता है जो दुपट्टा, दुपट्टा हमारा बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है, ये आप चेक कर सकते हैं वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है। अब इस दुपट्टे के ब्रांड ने जो है वो हमें कुछ बॉर्डर्स दिए थे जो हमने अपने जो बॉर्डर्स हैं वो 4 शर्ट जो है वो हमने इनको यूज़ किया है और यूज़ करने के साथ हमारा जो डिज़ाइन है वो सेम एज मॉडल की तरह बन गया। ये आप चेक कर सकते हैं कि 4 साइड जब बॉर्डर आप यूज़ करते हैं किसी भी आप कह लेंगे दुपट्टे में तो उसकी लुकिंग जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाती है। तो ये हमारा माशाल्लाह 26A के हमने 2 आर्टिकल रेडी किए हैं सेम, सिर्फ बॉर्डर्स में आ जा के दामन पे जो है डिज़ाइनिंग हल्की फुल्की चेंज की है क्योंकि ड्यू टू लेंथ आपको पता है कि लेंथ जब जो थोड़ी सी लॉन्ग होती हैं उनमें इशूज़ आते ही आते हैं। तो 46 लेंथ क्योंकि मॉडल ने तो बहुत शॉर्ट शर्ट वेयर की हुई है, हमारी लेंथ लॉन्ग थी तो इसलिए हमारा थोड़ा सा इशू आया। इशू को भी हमने अपने बॉर्डर्स यूज़ करने के साथ और लेसिस यूज़ करने के साथ हमने अपना कवर कर लिया। तो हमारा आज का एक छोटा सा ब्लॉग था, वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।